कार दोस्तों मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेट एयरवेज की नई अपडेट के बारे में नए प्लान के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिए उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं जेट एयरवेज के बारे में क्या आशीष छाउचरिया जो जेट एयरवेज को उसके बड़े मुश्किलों से निकाला था इसे उड़ान भरने में सही में मदद कर सकते हैं हाल ही में जेट एयरवेज के रिजल्ट प्रोफेशनल ने इस डेप्ट स्ट्राइकन एयरलाइन के लिए पहला कदम उठाया है लेकिन इसके लैंडर्स ने एन के फैसले को चैलेंज किया है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया गया था आपको बता दें अगर हम बात करें जेट एयरवेज के हालत की तो वो ये है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी मुश्किलों में है लेकिन आशीष चंशरिया ने इस मुश्किल से निकालने के लिए काफ़ी कोशिश की है जेट एयरवेज को उन्होंने जेट एयरवेज को तब से हैंडल किया है एयरलाइन बैंक करप्ट हो गई थी आपको बता दें आशीष चाचुर्या एक एक्सपीरियंसड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बचाने में काफ़ी सफल रहे हैं उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज के फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए काम भी किया है आपको बताना चाहेंगे लेकिन अब सवाल यह है कि जेट एयरवेज़ के हालत में अब कुछ सुधार हो सकता है इसके लिए आशीष चाचरिया ने काफ़ी मेहनत की है उन्होंने कंपनी के क्रेडिटर से बातचीत की है और उस, उनके साथ काम करके उन्हें कन्विंस किया है कि जेट एयरवेज़ को बचाया जा सकता है हालांकि जेट एरविस के लेंडर्स ने एन के फैसले को चैलेंज किया है लेकिन इस बात का यकीन है कि आशीष छांछरिया और उनके टीम के एफर्ट्स से जेट एरविस को बचाना मुश्किल नहीं है लेकिन इसके लिए टाइम और काफ़ी मेहनत की जरूरत है तो ये था आज का वीडियो जेट एयरवेज के बारे में क्या लगता है आपको क्या लगता है आशीष चचुरिया की मेहनत जे एयरवेज को उड़ान भरने में कामयाबी दिलाएगी हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे हैं इंडियन गुरु मैं हूँ आपका दोस्त नायक मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ टिल दिन जय हिंद वंदे मातरम